अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू इकरास मैजिक किचन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ कॉफ़ी पाउंड केक की बहुत ही यूनिक और बहुत ही टेस्टी रेसिपी आपके साथ, जिसको आप घर में इजीली बगैर ओवन के, बगैर बटर के प्रिपेयर कर सकते हैं। तो वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो आएं अपनी इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने बाउल में 1 कप शुगर, 1/3 कप कॉफ़ी का, 1/3 कप ऑयल का, 2 रूम टेम्परेचर एग्स ऐड किए हैं और 1 टेबलस्पून इसके अंदर वनीला एसेंस का ऐड करेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से बीट कर लेंगे जब तक कि हमारी शुगर और जो कॉफ़ी है प्रॉपरली डिजॉल्व नहीं हो जाती और हमारे एग्स जो हैं फ्लफी नहीं हो जाते। अब ये देखें, हम बीट कर रहे हैं, हमारे एग्स जो हैं फ्लफी हो गए और शुगर हमारी प्रॉपर डिजॉल्व हो गया। अब हम अपने ड्राई इंग्रीडियंट्स को ऐड करेंगे। 2 कप मैंने इसमें फ्लोर यानी कि मैदे के ऐड किए हैं, 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर का, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा का और 1/2 टीस्पून इसके अंदर सॉल्ट का ऐड करेंगे। सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद आपने इसको फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद इसके अंदर 1/2 कप मैं नीम गर्म दूध का ऐड कर रही हूँ। इससे ये हमारे जो केक है हमारा बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मॉइस्ट बनेगा। अब देखें, अब ग्रेजुअली आपने 1/2 कप मिल्क इसके अंदर ऐड करते जाना और इसको मिक्स कर देना है। हमारा ये थिक सा बैटर जो है कॉफ़ी केक का रेडी हो गया। अब हम इसे पोर करेंगे अपने मोल्ड के अंदर। मोल्ड को मैंने पहले से ही ग्रीस करके बटर पेपर लगाकर रेडी कर लिया था। इसको अपने मोल्ड के अंदर ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद हम इसको करेंगे बेक। बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही यूनिक और बहुत ही टेस्टी रेसिपी, आपने इसको जरूर ट्राई करना है। पूरे बैटर को आपने अच्छी तरह से मोल्ड के अंदर ऐड कर लेना और उसके बाद इसको स्पैचुला की मदद से ऊपर से आपने इक्वल कर लेना। चॉकलेट चिप के साथ इसको डेकोरेट करेंगे और बेक करेंगे। आप चाहें तो चॉकलेट चिप को स्किप भी कर सकते हैं। ये केक वैसे भी बहुत ही डिलीशियस बनकर रेडी होगा। मैंने पहले से ही अपने पॉट को प्री हीट कर ली जिसमें मैंने बेक करना था। अंदर ग्रिल को ऐड करेंगे, अपने मोल्ड को सेंटर में सेट करेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर, बिल्कुल लो फ्लेम पर आपने इसको बेक करना है। 30-35 मिनट में आपका परफेक्टली बेक हो जाएगा। फिर आपने टेस्टर की मदद से इसको टेस्ट करना है, रूम टेम्परेचर पर कूल डाउन कर लेना और आपने इसको कट कर सर्व करना है। आप इसे गर्म भी सर्व कर सकते हैं और आप इसको ठंडा कर भी सर्व कर सकते हैं। दोनों तरह से बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस रेसिपी। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को, मेरी रेसिपीज को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी आज की रेसिपी देखने का आपका बहुत शुक्रिया। मिलेंगे दोबारा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।